ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ। बाद विच मीडिया नाल गलबात करदिआं राजपाल ने कहा कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे नतमस्तक हो के वह वडभागी महसूस कर रहे ने। मन में प्रबल इच्छा थी कि यहाँ माथा टेकने में आऊँ। खालसा पंथ की जहाँ पवित्र जगह पे जहाँ स्थापना हुई वो मेरी आज इच्छा पूरी हुई। मेरी सभी को, हमारे पंजाब के सभी भाई बहनों को आज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्यार से हमारा यहाँ पर स्वागत किया गया मैं उस स्वागत से अभिभूत हो गया। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 8वें अजूबे वजो जाने जाते विरासत खालसा अजायब घर भी वेख्या। उन्होंने वक् वक् गैलरिया राही इतिहास और पंजाब के अमीर गौरवमई विरसे जानने डूंगी दिलचस्पी विखाई।